हे दोस्तों, मेरा नाम है पॉल। आप देख रहे हैं आर्डिक्रेशन एंड टेक्निकल। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो होगा काफ़ी खास वीडियो होगा दोस्तों, एंड हैप्पी न्यू ईयर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एंड आप जैसे कि देख ही सकते हैं, इस फ़ोन मतलब लेनोवो के 8 प्लस में एक प्रॉब्लम था कि ओटीजी केबल से हम लोग कुछ भी कनेक्ट करके, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, कुछ भी कनेक्ट करके इंटरनल स्टोरेज से एक्सटर्नल स्टोरेज तक कुछ भी हम लोग कॉपी नहीं कर सकते थे। लेनोवो के 8 प्लस में ये प्रॉब्लम था। मैंने सोचा था कि एक कुछ अपडेट भी वो लोग देंगे, सिस्टम अपडेट, मैंने ऐसा सुना था इसके इस प्रॉब्लम का हल देंगे वो लोग सिस्टम अपडेट के माध्यम से, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं, लेनोवो ने किया नहीं। लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। आप जैसे कि देख ही सकते हैं, मैंने अभी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम था वो। एंड जैसे कि मैंने OTG में पेन ड्राइव कनेक्ट किया, उसके बाद मैं OTG को मोबाइल पे कनेक्ट कर रहा हूँ। आप जैसे कि देख ही सकते हैं दोस्तों, एंड पेन ड्राइव कनेक्ट हो गया है, इंडिकेटर दे दिया है पेन ड्राइव का। एंड जैसे कि आप देख ही सकते हैं, एंड दोस्तों मैंने जो एक माइक का अनबॉक्सिंग किया था, वो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। बहुत ही अच्छा माइक है, बहुत ही सस्ता दाम में मिल रहा है। एंड जैसे कि आप देख ही सकते हैं, OTG कनेक्ट हो गया है एंड दिखा दिया क्या क्या इसमें स्टोरेज है। एंड इसके बाद हम लोग जाते हैं फाइल मैनेजर पे। अभी आपको सर चकरा जाएगा फाइल मैनेजर पे जब हम लोग अभी जाएंगे। जैसे कि हम लोग अभी क्लिक करेंगे फाइल मैनेजर पे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं फोकस नहीं हो रहा कैमरा, हम लोग अभी क्लिक कर लेता है, देख ही सकते हैं फाइल मैनेजर। लेकिन यहाँ पे तो कुछ शो ही नहीं हो रहा, USB केबल मतलब USB कुछ भी, सनडिक्स वगैरह, पेन ड्राइव कनेक्टेड, ऐसा कुछ भी तो नहीं हो रहा। क्यों इसमें क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा? मैंने तो सोचा मेरा मोबाइल ख़राब है, लेकिन नहीं, लेनोवो की 8 प्लस में ये सुविधा नहीं था। लेकिन एक थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करके आप अपना जो फाइल है वो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज पे, इंटरनल से एक्सटर्नल पेस्ट कर सकते हैं। जो आप देख ही सकते हैं, मैं अभी एक फ़ोटो कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी अब मैंने कर लिया, लेकिन अभी मैं एक्सटर्नल पे इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन ऑप्शन तो नहीं है एक्सटर्नल का, आप जैसे कि देख ही सकते हैं, लोकल मतलब तो इंटरनल हो गया, लोकल में मुझे इसको पेस्ट करना पड़ेगा। वो लोग फाइल मैनेजर पे ऐसा बता रहा है। लेकिन इसके लिए मैं एक आपको और एक टेक्निक बताने वाला हूँ कि आप सेटिंग में जाके ये सब कर सकते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे है, सेटिंग में हम लोग ने क्लिक कर दिया, स्क्रोल डाउन जब हम लोग करेंगे तो उसके बाद एक ऑप्शन आएगा स्टोरेज का ऑप्शन में प्लीज़ आप लोग क्लिक कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ऑप्शन आ गया है सैनडिक्स का। देखिए, पेन ड्राइव मैंने लगाया, उसका ऑप्शन सेटिंग का भीतर आ रहा है, फाइल मैनेजर का भीतर नहीं आ रहा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बात बोल रहा हूँ गाइस? देख ही सकते हैं आप। एंड उसके बाद हम आपको अभी स्टोरेज पे क्लिक करना पड़ेगा, इंटरनल स्टोरेज पे। उसके बाद आप लोगों को जो चीज़ आपको कॉपी करना है वो कॉपी आप, फॉर एग्जांपल मैंने इमेजेस पे क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने कैमरा का ऑप्शन में चला गया। एंड जैसे कि आप देख ही सकते हैं, एक इमेज को मैं अभी सिलेक्ट करके कॉपी करने वाला हूँ। देख ही सकते हैं गाइस, कॉपी मैंने अभी कर लिया, कॉपी टू ऑप्शन आएगा सेकंड नंबर पे, कॉपी टू कर लीजिए गाइस। एंड इसके बाद देखिए, अभी तीन ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ गया ऑप्शन। एक है कि इंटरनल स्टोरेज, और एक है सैनडिस्क पेन ड्राइव का मेरा ऑप्शन आ गया, और एक है गूगल ड्राइव का। मैं अभी एक्सटर्नल पे करना पड़ेगा ना, तो हम लोग अभी सैनडिस्क का ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि कॉपी में हम लोग अभी क्लिक कर लेते हैं गाइस। तो आप जैसे कि देख ही सकते हैं, कॉपी हो गया है अभी। एंड हम अभी जाके देखते हैं जो फ़ोटो है वो सॉरी मैंने अभी माय फाइल मैनेजर खोल दिया। एंड जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इसमें जाके हम लोग देख सकते हैं कौन सा फ़ोटो है। एंड देख ही सकते हैं, देखिए कॉपी हो गया है फ़ोटो।
एंड आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देख के आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज इसको लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, एंड अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।